नमस्कार एंड वेलकम टू मातृभाषी पेजेस फर्स्ट फ्राइडे विथ केडी लाइव. આ સેગમેન્ટમાં એક્ચ્યુઅલી અમે શું ગેમ શો કર્યા હતા અને છેલ્લા કેટલાય સમયથી અમને એક્ચ્યુઅલી બચ્ચન સાહેબ તરફથી બહુ તકલીફ પડે છે. જેટલી વખત સાઇનિંગમાં મોકલાઈ આવતા જ નથી હોતા બચ્ચન સાહેબ. તો દર વખતે બચ્ચે એ કે અલગ અલગ આવે, કઈ વખતે સીધું આવી ગયો એટલે કંઈક નું કંઈક આવે છે સર. તો આ વખતે બી અમારી જોડે ગેમ શો રમવા માટે બચ્ચન સાહેબ નથી આવ્યા. હવે તકલીફ છે પણ અમે જેમ કે સાહિત્યકાર તરીકે આવ્યા છે, ગીત સંગીતનો માહોલ બનવાનો છે, તો અમે એક સરસ મજાના સિંગરને જ બોલાવ્યા છે. તેનો બહુ મજા કરી જશે. સો લેટ્સ વેલકમ તાલીનો જોરદાર અવાજ સાથે ઉદિત નારાયણ. જાદુ તેરી નજર, ખુશબૂ તેરા બદન, તું હા કર યા ના કર, તું હા કર યા ના કર, તું હે મેરી કિરણ, તું હે મેરી કિરણ. તાળિયા બજા દીજે હમ મુંબઈ સે આ રહે હૈ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ બહોત બહોત ધન્યવાદ. કેસા લગા આપકો મેરા ગાના? અરે યો અરે યો યો અરે અરે સર થેન્ક યુ સર, આપ આ ગઈ સર. मैं ना बहुत परेशान हो गई थी सर, दो महीने से इधर बच्चन साहब का वेट कर करके मैं थक गई सर, लेकिन बच्चन साहब आए ही नहीं सर. कोई बात नहीं, अभी उदित आ गया है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत. क्या बात है, एक बार उदित जी के जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई. थैंक यू सर, थैंक यू. आप इधर आ गई तो मेरा सोका अभी है, मेरे को टेंशन नहीं रहेगा सर. अभी सर मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ना शो शुरू कर दीजिए सर. ठीक है तो शो शुरू करते हैं, इससे पहले एक और गाना हो जाए दर्शकों. अरे क्या बोल रहे हो, गाना ठीक है सर, गा दीजिए सर. मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पे हाँ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया. एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया. तालियां बजा सर. आपने गाना तो बहुत जबरदस्त गाए, लेकिन मेरे को एक बात पूछने का है, ये गाना अलका जी के याद में गाए ने? अलका जी और हमारा तो कुछ और चल रहा है, आपको उसमें भूलने की जरूरत नहीं सर. वो क्या चल रहा है सबको मालूम है सर, लेकिन मैं क्या बोलती सर, अभी ना पटापट शो शुरू कीजिए ना सर. ठीक है शुरू करते हैं, आ जाइए गेस्ट आ जाइए. अरे नहीं सर, ऐसे कैसे गेस्ट आ जाइए, ऐसे नहीं होता सर. वो बच्चन साहब आते थे ना तो गेस्ट को बहुत सम्मान के साथ में उसको इंट्रोड्यूस करते थे सर, तो आप कैसा कुछ कीजिए ना बच्चन साहब जैसा. देखिए बच्चन साहब तो बच्चन साहब है, लेकिन हम उदित जैसा कर देते हैं, हम चला लेंगे. चले तो माननीय घर से मेरी विनती है, प्लीज स्टेज पे आ जाइए. धन्यवाद. आ गए सर. अयो वडक्कम सर, वडक्कम सर, वडक्कम सर, वडक्कम सर, वडक्कम सर, वडक्कम. सर अभी गेस्ट आ गए हैं, आप चले जाइए, चलेगा हम शो होस्ट कर लेंगे. क्या बात करता, तुम मेरे को यहाँ से भेजने की बात करता? जी सर. सर आपको पता है आज मैं ना यहाँ पे एक्सपर्ट के तौर पे बैठेगा. सर आपसे बाथरूम के कमोड पे नहीं बैठा जाता. कैसी बात करता सर तुम गेस्ट लोग के सामने, ऐसा नहीं बोलते सर. बच्चन साहब होते तो कभी ऐसा नहीं बोलता. वो तो बच्चन साहब है. कैसा लग रहा है सर आपको उदित जी से मिलके? इनका तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा सर. आपको मालूम है दो महीने से बच्चन साहब नहीं आया, मेरा शो का वाट लगा डाला था. अच्छा आप आ गए ना सर. आपको मालूम है दो महीने से एक इडली नहीं खाया सर, एक इडली नहीं खाया मैंने. क्या बात करते हो, दो दो खाना पड़ता था सर, दो दो टेंशन इतना था ना सर.
कोई बात नहीं, अभी एक उदित आ गया है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यस 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 ठीक है। मैं क्या बोलता सर, मैं ना अभी उधर बैठेगा, मैं एक्सपर्ट है ना, तो मैं गेस्ट के साथ नहीं बैठेगा, उसके सामने बैठेगा। टीम चेंज? नहीं, मैं टीम आपके टीम में ही हूं। वो क्या हुआ कि पीछे से प्रॉम्प्ट किया किसी ने तो इधर आ गए। पांक। अच्छा। वो क्या, मेरे को ना क्वेश्चन दिख जाता, इसके साथ में आंसर भी दिख जाता, तो आपका थोड़ा हेल्प हो जाता। ये तो आपने सरासर चीटिंग की बात कर दी सर। अरे सर, यहाँ हमारा ही शो है तो हम तो चीटिंग करेंगे ना। कोई बात नहीं, तो आपको खेल के नियम तो पता ही होंगे। नहीं, नहीं होने चाहिए, नहीं ही होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमें भी पता नहीं है। क्या बात, ऐसे ही हम भी आ गए हैं आपके जैसे। ये अच्छा, इस बार है ना उदित साहब आए तो थोड़ा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना, बच्चन साहब नहीं आए। तो चलिए, उदित जेरोक्स नहीं, जेरोक्स भी नहीं है, हम तो 100वीं कॉपी है। क्या बात है, उदित जी ये लीजिए, सुपारी खाएंगे आप? नहीं नहीं सर, 100 के बाद दीजिएगा। तो ये रहा आपका पहला सवाल। पियानो में जो बीच की छोटी वाली की होती है वो काले रंग की क्यों होती है? आपकी ऑप्शन है ए, पियानो को किसी की नजर ना लगे इसलिए। ऑप्शन बी, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगे इसलिए। ऑप्शन सी, उसने पिछले जन्म में कुछ खराब काम किया था इसलिए वो काली है। या ऑप्शन डी, बुरा काम किया था। वो सर, हमें मुंबई से इधर आए हैं, हमारा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, दूसरी बार एडजस्ट कर लीजिएगा। और आखिरी ऑप्शन है, हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हाँ, मेरे को ये लगता था, मैं भी काला, तो काले हुए तो क्या हुआ, हम दिल वाले सब, इसके साथ में जाना चाहिए गेस्ट। क्या लगता है सर, इनके साथ जाते? इनके साथ मत जाइए। अरे डी के साथ जाते। देखिए, ये एडल्ट कॉमेडी नहीं थी, मैंने ऐसा ही बोला था। क्या कहना चाहते हैं आप? हम डी के साथ जाएंगे। डी के साथ लॉक करो। डी, क्या ऑप्शन डी जो आपने बोला ना, डी? ठीक है सर, सही जवाब दिया है सर आपने। क्या बात है सर, क्या बात, आपको मिलेगा ये, दे दो सही जवाब। सर ये नकली है सर, बंद। आपको मिलता है दो गर्मा गर्म डोसा। अये, मेरे को भी चाहिए डोसा। आप ही को खिलाने का है सर। आप ही प्रोड्यूसर भी करता तुम या उदित? ठीक नहीं, मेरे को बच्चा नहीं मांगता अगले महीने से, अभी करो, अगले सो आगे बढ़ाओ। ठीक है सर, अभी हम कर ले। ठीक है, आदित्य को साथ नहीं लाए? आदित्य क्या है, वो अपनी बीवी को संभालने में थोड़ा व्यस्त है। हमसे क्या, एक साथ में एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। अगली बार से आदित्य को भी लेके आएंगे। दूसरा सवाल, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस गाने में मुन्नी बदनाम क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें उदित जी नहीं होते। कोई बात नहीं सर, आपसे आपको हमसे बेहद लगाव है ये जान के हमें खुशी हुई, लेकिन क्या है, हमने भी एक राइटर अपॉइंट किया है। आप उसकी थोड़ी इज्जत कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे बेशक सर, बेशक। आपके ऑप्शंस है, मुन्नी ने कुछ व्हाट्सएप पे गलत स्टेटस डाल दिया था इसलिए बदनाम हो गई। ऑप्शन बी, मुन्नी ने अपने बॉयफ्रेंड से दगा किया था इसलिए बदनाम हो गई। ऑप्शन सी, मुन्नी ने जिस लड़के से शादी की उसकी सरनेम बदनाम थी इसीलिए मुन्नी बदनाम हो गई। या ऑप्शन डी, मुन्नी बदनाम हुई नहीं थी, ये ऐसे ही डाल दिया। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? बदनाम जो सरनेम वाला बोला सी, उसी के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, हमारा प्रेम जो कहता है वो सही है। आप इनके साथ जाना चाहेंगे? नहीं, आपके सी के साथ। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, ये भी सही जवाब है। क्या बात है सर, इस सवाल एक प्रश्न है ना किशन भाई से पूछने का। प्रश्न? हाँ प्रश्न पूछो। मैं आपको क्या पूछना चाहता किशन भाई, आप बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते बराबर, तो आप इतने इंटेलिजेंट, इतने जबरदस्त क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाती? ये थोड़ा साउथ इंडियन गुजराती आदमी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अब ये भी ढूंढ लाऊंगा।
नहीं ये इसमें क्या है ना कि मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया था, मैंने ऐसा सुना था कि जो इंटरव्यू लेता है ना वो रिसर्च करता है। यस यस, जो क्वेश्चन आता है ना वो रिसर्च के बाद में आता है। रिसर्च तो करना आप भी कुछ रिसर्च करिए ना सर। हमको पिछले महीने ऐसा ही बोल दिया, हम आ गए, क्या रिसर्च करके आए। अगला सवाल पूछते हैं सर। अच्छा अच्छा प्रश्न निकालिए जिससे ना वो माहौल माहौल हो ऐसा, एक्सपर्ट की एक्सपर्टिस दिखे ऐसा। सर माहौल की बात हुई तो मैं माहौल पे अरिजीत सिंह का एक गाना गाना चाहता हूँ। आपके कम पड़ रहे? मेरे तो कम ही है सर। उदित जी अरिजीत सिंह का गाना, उदित जी अरिजीत का गाना गाएंगे सर। जरूर जरूर जरूर, तालियां। मेरा बोला भाई चाहिए सर। अल्लाह प्रोड्यूसर तक पता नहीं क्या क्या करवाता। अभी तो सिर्फ माइक ही मंगवाया है। ठीक है, तुमको डोसा चाहिए ना मैं दे देगा, अभी गाना गा लो भाई। कौन सा गाना गाने का था? अरिजीत सिंह का। अरिजीत सिंह का, ठीक है सर। मैं सजेस्ट करूँ वो गाना गाएंगे आप? जी सर, मुझे सजेस्ट कर दीजिए। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती मेरे को, मुस्कुराने की वजह तुम हो। ठीक है सर, मैं खड़ा होके गाता हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। वो जीतने वाले कुछ होता ही नहीं है, इधर से दो बुक अच्छी लगे वो लेके चले जाना। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है सर। सूरज जो है वो पूर्व दिशा से ही अरे क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। सर अगली बार से इनको कॉम्प्लीमेंट्री बुला लीजिए। अच्छा वाह करते हैं, किधर गए केड़ी भाई, बुला लीजिएगा, ऑडियंस की जरूरत नहीं है। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से ही क्यों निकलता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑप्शन, इससे भी बढ़िया है, सुन लीजिए। क्या बात है, आपके ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा गुजराती फ्लेवर में। वाह, तो अब तक हिंदी फ्लेवर था इसमें? फ्लेवर था सर। वो क्या है सर, हम नए नए इसलिए रहता है, जब हमारा फ्लेवर आता है तो किसी का नहीं आता। अरे वाह क्या बात, रहेगा अभी थोड़ा। गुजराती ऑप्शन है। उधर से उसको आने में तकलीफ पड़ता है, उधर से उसको आने में सहला पड़ता है, इसलिए वो पूर्व दिशा से आता है। अभी ऑप्शन बी, सूरज को सिर्फ वही रास्ता पता है इसीलिए वो वहां से आता है। ऑप्शन सी, दूसरी दिशा में पूर्व दिशा जैसा मजा नहीं है इसीलिए वो पूर्व दिशा से आता है। या ऑप्शन डी, सूरज बहुत आलसी है इसीलिए कुछ नया नहीं कर रहा, वहीं से आता रहता है। तो हम सी के साथ जाएंगे, क्योंकि जैसा बच्चन में मजा आता है ऐसा उदित में नहीं आता, उसी तरह वहां पश्चिम में जैसा मजा नहीं आता जो आपने बताया। कोई ने ताली नहीं बजाई सर, हो गया आपका, मेरा हो गया, आपका भी हो गया। मेरा तो कब का हो गया सर, मैं बजा देता हूँ। आइए जी, मेरे को एक प्रश्न इधर प्रेम भाई से पूछने का है। प्रेम भाई आप वो बजाते ना हारमोनियम, जब भी हारमोनियम बजाते ना ऐसा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये गिर ना जाए इसलिए। नहीं ये तो किया इसके लिए, गिर गया ना, मैं मेरे को जानने का ऐसा ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करेगा तो बचेगा कैसे? नहीं वो ऐसा ऐसा क्यों करने का, वो ऐसे सीधा नहीं बचता है क्या? वो अभी देख लिया है ना, ऐसा ऐसा क्यों करता है, अभी देखा आपने, मोबाइल गिर गया। इसीलिए आप प्रोड्यूसर है सर। दूसरा भी नहीं चला। चौथा सवाल आपके सामने आ रहा है सर। आम को आम क्यों कहते हैं? आम क्यों कहते हैं? फिर से एक सवाल गुजराती में है, ऑप्शन गुजराती में है। उसको आम थी भी खाई सकाय, अने आम थी भी खाई सकाय, इतने एना आम के भाई। उसको आम थी भी खाई सकाय, आम थी पन खाई सकाय, आम थी पन खाई सकाय। सो तवाल ये हाँ, ये हमारे राइटर जो है कहाँ बैठे हैं पता नहीं, इनका लिखा हुआ है। ऑप्शन बी, ये सब आम लोगों का फेवरेट फ्रूट है इसीलिए इसे आम कहते हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि वो आम के पेड़ पे उगता है इसीलिए उसे आम कहते हैं।
या ऑप्शन डी, ये सवाल बहुत आम है, इसे जाने देते हैं। जाने देते जाने गेस्ट ने जो बोला ना वो सही होता है, क्योंकि वो तो कुछ भी बोलेगा, तुम तो यही बोलोगे एकदम बहुत ही बढ़िया जवाब है। ये सर ऐसे ही 21 साल हमने नहीं कार्ड निकाल दिए, ऐसे ही चलता है सर, जो बोलता है वो सही होता है। तो सर यहाँ पे खेल समाप्त होता है, बस आपको भी छुटकारा और हमको भी। पुरु पुरु राइटर पुरु करना क्यों, पुरु राइटर पुरु करना क्यों, ऐसा नहीं पूरा मतलब फिनिश कर दिया आपने सर ऐसा नहीं, ऐसे फिनिश नहीं होता। एक कहना आप मेरे को, आपने देखो अरिजीत सिंह का गाना तो गा के सुना दिया जी सर, अभी हम चाहते हैं ऑडियंस सभी लोग चाहते हैं आप एक गुजराती गाना सुना के जाइए। क्या बात है इनको पहले भेज दीजिए, मैं बाद में गाता हूँ, ये बीच में बोलते हैं। सर माइक दीजिए मुझे, साला प्रोड्यूसर है के साथ तुम माइक मिल के यार, एक वो दादा रख लो ना यहाँ पे, तुम्हारे पास ही बजट नहीं है। ये सब बातें यार स्टेज पे नहीं बोलते, बच्चन जी आते रहे तो कभी ऐसा नहीं बोलते। सुना रहा हूँ मैं बाय बाय जोरदार कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर? अरे बार तुम मेरा कोई पूछता है क्योंकि मैं भूल गया हूँ सर। मैं तुमको बताता ओडनी ओडू ओडू ने उड़ी जा जी सर, ओडनी ओडू ओडू ने उड़ी जा, ओडनी ओडू ओडू ने उड़ी जा, इतना ही आता है सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ना ना रे सेवा सत्यनारायण उदित नारायण की जय।